आवाज नहीं दो मांगते हैं बैठो मार सकते हो आवाज नहीं दो मांगते हैं मार सकते हो आवाज नहीं दो मांगते हैं मार सकते हो देखिए छात्र संघ चुनाव पर रोक लगने के बाद में हमारे पास में मॉर्निंग से ही लगातार इनपुट्स आ रहे हैं इसमें अंदर किसने कुछ लड़कों के द्वारा ये अटेम्प्ट किया भी जा चुका है हिरासत में ले रखा है। मैं छात्रों से अपील करना चाहूँगा कि वो जो भी विरोध करना चाहते हैं संवैधानिक तरीके से कानूनों के नियमों के दायरे में रहकर भी करें, क्योंकि कोई भी ऐसी गतिविधि जिससे कि आम जनता को परेशानी हो, जिससे कि कानूनों का उल्लंघन हो और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी हो, उसे हम बहुत सख्ती से डील करेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि छात्रों के विरोध में मुकदमे लगे, क्योंकि उससे उनका भविष्य खराब होता है, और हम उन्हें से निवेदन करना चाहेंगे कि वो भी कानून को समझें, व्यवस्था को समझें और ऐसी कोई गतिविधि करें जो उनके लिए अनुचित नहीं है, जयपुर की आम जनता के लिए उचित है। छात्रों को हम आईडी कार्ड देख करके अंदर जाने की अनुमति इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास में इनपुट है कि आसपास के जिलों से कई ऐसे लड़के यहाँ पर इस आंदोलन में साथ देने के लिए आ सकते हैं, जिससे कि भारी अव्यवस्था उपद्रव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उसे ध्यान रखते हुए जो कॉलेज के लड़के हैं, जो कॉलेज की छात्राएं हैं, उन्हें हम अंदर जाने की अनुमति देंगे, बाकी लोग अपने अपने जिलों में जाएं, उन्हें जो प्रदर्शन करना है अपने जिले में करें। बड़ा स्टेटमेंट था कि वो पूछ रहे थे कि छात्र नेताओं के पास इतना पैसा कहाँ से आता है, तो हम तो गहलोत साहब को ये पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आप उनसे पूछे सवाल करें कि गहलोत साहब जब दो महीने तक खुद की विधायकों की बाड़ाबंदी कर रखे थे 7-7 होटलों में, तब उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा था? इतना पैसा उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तो दोबारा एक बार सरकार और बना सकते थे, इतना पैसा उन्होंने खर्च किया, हमारा पहला सवाल आपसे है। दूसरी बात, जो पुलिस आज सभी छात्र नेताओं को हिरासत में ले रही है, सभी आईडी कार्ड चेक कर रही है, यही पुलिस और यही विश्वविद्यालय प्रशासन अगर 2 महीने 3 महीने 5 महीने पहले अगर एक एक स्टूडेंट की आईडी कार्ड चेक करके अंदर भेजता तो आज शायद ये स्थिति नहीं बनती। और छात्र संघ के चुनाव है तो हम तो निश्चित रूप से गहलोत साहब से मांग करते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो, छात्र संघ चुनाव से ही नई नीति और नई नीतियों का निर्माण होता है, तो हमारी तो मजबूती से मांग है कि छात्र संघ चुनाव हो और गहलोत साहब को पूरा दबाव मिलाने की कोशिश करेंगे कि वो छात्र संघ चुनाव करवाए। नहीं तो पुलिस की दादागिरी, तो पुलिस तो हमेशा ही छात्र नेताओं को और छात्र हितों की जो बात करता है उनकी मांग उठाते हैं उनको दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन छात्र नेता इतना कमजोर नहीं है, छात्र संघ इतना कमजोर नहीं है, और संयुक्त छात्र संघ आज ये मांग कर रहा है कि विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए, पूरे प्रदेश में छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। गहलोत साहब जो पूरे प्रदेश में एक संवेदनशीलता की जो अपनी परछाई बना रखी है, छाया बना रखी है, तो हम तो कोशिश करते हैं, मांग करते हैं उनसे कि ये छात्र संघ चुनाव करवाए और ऐसे संवेदनशीलता का परिचय न दे और छात्र संघ चुनाव करवाए। मैं निर्मल यादव, मैं खुद एक लड़की हूं और मैं इस बार राजस्थान विश्वविद्यालय से निर्दलीय तैयारी कर रही थी, मेरा नाम कोमल मोहनपुरिया है। मैंने इस पूरे साल में पिछले 4 सालों से कभी ये नहीं सोचा कि मैं लड़की हूं, मैंने दिन रात तैयारी करी है, दिन रात छात्र हितों के लिए धरना प्रदर्शन किए हैं, और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री ने ये कल आदेश निकाला है कि छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, तो देखिए इसके पीछे का एक अहम रीज़न ये है कि हर यूनिवर्सिटी से NSOE हार रही है, जिसके डर के कारण विधानसभा में जो चुनाव होने वाले हैं उस पे एक गंदा मैसेज जाएगा, जिस वजह से माननीय मुख्यमंत्री ने इस तरीके का आदेश निकाला है कि छात्र संघ के चुनाव नहीं होंगे, और हम इस जो भी इन्होंने ये आदेश निकाले हैं इस आदेश की कड़ी निंदा करते हैं, और इसका परिणाम माननीय मुख्यमंत्री जी को आने वाले विधानसभा के चुनाव में देखा जाएगा। यूथ उनसे पूरी तरीके से खफा है और इस खफा का रिजल्ट उनको आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। तो ये कहना चाहते हैं कि शुरू से आज से नहीं, पहले भी जब 2 साल 1 साल बंद कोविड में बंद हुए थे तब भी हमने धरना दिया था 40 दिन तक और मांग उठाई थी कि छात्र संघ चुनाव करो। युवा जो है अगर राजनीति में अपना भाग्य आजमाएं तो सरकार को उससे क्या दिक्कत है, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए और हम पुरजोर विरोध करते हैं जो कल स्थगित किया छात्र संघ चुनाव। अगर छात्र संघ चुनाव सरकार नहीं कराती है तो आप पर क्या कदम तो यही है, लोकतंत्र है, विरोध करेंगे, गहलोत साहब को बाहर नहीं निकलने देंगे, जहाँ निकलेंगे वहीं उनका विरोध होगा, और देख लेना अभी तो शुरुआत है, कल रात को आदेश जारी किया और रात को यहाँ जनगप जम गई थी विश्वविद्यालय गेट के बाद, और अभी बिना आईडी कार्ड प्रवेश नहीं दिया जा रहा। देखो आईडी तो अभी बने ही नहीं बच्चों की, अभी तो एडमिशन प्रोसेस चल रही है, 10-15 दिन लगेगा आईडी बनने में, तो ये तो तानाशाही इनकी, कुछ भी कर सकते हैं। अभी एक बच्चा आपने देखा होगा बाहर, वो आ रहा था, यहाँ का छात्र नेता है, हॉस्टल में एडमिशन है, उसकी गाड़ी जब्त कर ली, ये तानाशाही कर रही है सरकार, और गहलोत साहब को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा राजस्थान में।